हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रामा एरोटिक मूवी को, जिसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, जिसे डायरेक्ट किया था जूलिया लेह ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.3 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक डॉक्टर को देखते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है और वो उसे पैसे देता है। इस लड़की का नाम लूसी होता है और वो कॉलेज स्टूडेंट होती है। पैसों की कमी की वजह से वो दिन में ऑफिस में काम करती है और रात को रेस्टोरेंट में। इसके बाद हम देखते हैं वो रात को एक बार में जाती है, जहां उसकी दोस्त उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और वहां पर वो दोनों ड्रग्स लेते हैं। फिर वो उसी के साथ उसके दोस्तों के पास जाती है, जहां उससे एक आदमी पूछता है, तुम किसके साथ इंटीमेट होना चाहोगी? तब लूसी कहती है, टॉस कर लो, जो जीतेगा मैं आज रात उसके साथ जाऊंगी। फिर वो टॉस करते हैं और एक आदमी उसे लेकर चला जाता है। जब अगली सुबह वो घर पहुंचती है, तब उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे रेंट मांगता है, फिर वो उन्हें रेंट दे देती है। फिर उनमें बहस होने लगती है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उनके साथ ही रहता है। वो लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लूसी कहती है, ये मेरे मॉम डैड का घर है और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर हम देखते हैं वो लोग लूसी से टॉयलेट की सफाई करवाते हैं। अगली सुबह जब लूसी ऑफिस में होती है, तब उसकी बॉस वहाँ पर आती है और कहती है, तुम्हारी मॉम का कॉल आया है। जब वो कॉल पर बात करती है तो उसकी मॉम उसके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगती है। वो उन्हें सारी डिटेल्स देती है और उनसे कहती है, तुम मेरी ये वाली जॉब भी छुड़वा दोगी, प्लीज़ इसके बाद यहाँ कॉल मत करना। जॉब के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड बर्डमैन के घर जाती है, जहाँ हम देखते हैं वो अल्कोहलिक एडिक्टेड होता है, जिससे उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाता, लेकिन लूसी को उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। बर्डमैन काफ़ी टाइम से उससे शादी के बारे में पूछता है, लेकिन वो बर्डमैन को पैसों की कमी के कारण और उसके अल्कोहल एडिक्टेड होने के कारण मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं लूसी न्यूज़पेपर में जॉब की एड देखती है, जिसके लिए वो वहाँ पर कॉल करती है। तब उससे उसके फिगर के बारे में पूछते हैं और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जब लूसी वहाँ पर जाती है, तब उसे वहाँ क्लारा नाम की बंदी मिलती है। फिर वो लूसी से कहती है, तुम्हें यहाँ पर रात को काम करने आना होगा, तुम्हें प्राइवेट पार्टी में बिकनी पहनकर वेटर का काम करना होगा, लेकिन तुम्हें किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना होगा और तुम्हें हर घंटे के $250 मिलेंगे। फिर लूसी जॉब के लिए तैयार हो जाती है और क्लारा उसे खड़े होने के लिए कहती है और उसकी बॉडी को अच्छी तरह चेक करती है। इसके बाद हम देखते हैं लूसी और काफ़ी सुंदर दिखे, जिसके लिए वो उसकी बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। लूसी जब घर पर होती है, तब वो उसे लेने के लिए कार भेजते हैं। लूसी कार में बैठकर एक घर पहुंचती है, जहां उसे सोफी नाम की एक लड़की मिलती है, जो उसे एक कमरे में ले जाती है और उसका मेकअप करती है और उसे कपड़े पहनाती है। फिर लूसी और लड़कियों से जाकर मिलती है, जहां हम देखते हैं सारी लड़कियां हाफ नेकेड होती हैं और सभी लड़कियों ने ब्लैक ड्रेस पहनी होती है, लेकिन लूसी ने वाइट ड्रेस पहनी होती है। इसके बाद वहाँ पर कुछ बूढ़े आदमी आते हैं और लूसी उन्हें पैक बनाकर देती है। फिर वो एक आदमी को शराब देने जाती है, तब वो उसका पैर पकड़ता है और लूसी गिर जाती है। फिर लूसी सोफ़ी के सामने जाकर उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन सोफ़ी कहती है, कोई बात नहीं, और उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, आज का तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, तुम जा सकती हो। इसके बाद लूसी घर पहुंचती है और हम देखते हैं वो उन पैसों में से एक नोट को जला देती है। आगे हम लूसी को उसके ऑफिस में लेटा देखते हैं, तब वहाँ उसकी बॉस आती है। फिर वो खड़ी हो जाती है और काम करने लगती है। रात को वो फिर से काम पर जाती है। इसके बाद एक बार में जाती है, जहाँ एक आदमी आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे लूसी उससे डायरेक्ट इंटीमेट होने के लिए पूछती है और उसके साथ चली जाती है। दरअसल वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो वो किसी भी तरह घर जाना अवॉइड करती है। वो ऐसे ही ज़्यादातर टाइम किसी के साथ चली जाती है और अगर कोई नहीं मिलता तो वर्डमान के घर चली जाती है। अगले दिन लूसी को कॉल आता है और क्लारा उसे अपने घर बुलाती है, जहां वो देखती है एक लड़की को वो कार में ले जा रहे हैं। फिर वो क्लारा से मिलती है तो क्लारा उसे फ्रेश होने को कहती है। जब वो फ्रेश होकर आती है, तब क्लारा उसे कुछ पीने को देती है और कहती है, इससे तुम बेहोश हो जाओगी और जब तुम उठोगी तो 2 घंटे तुम्हें हैंगओवर जैसा लगेगा। इसके बाद हम लूसी को बेहोशी की हालत में एक बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। तब क्लारा वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को लेकर आती है। ये वही बूढ़ा आदमी था जो उस दिन पार्टी में होता है। फिर क्लारा उस आदमी से कहती है, हमारे कुछ रूल्स हैं और तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। फिर वो आदमी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लूसी अपने घर जाती है और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसे 2 हफ्तों के अंदर घर खाली करने को कहता है। फिर लूसी ब्रोकर के पास जाती है और एक फ्लैट रेंट पर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं पैसे खत्म होने की वजह से वो क्लारा की सेक्रेटरी को कॉल करती है और उससे काम मांगती है।
फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और वो उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, तभी उसे कॉल आता है और वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लूसी को उसी बेड पर बेहोश देखते हैं। क्लारा फिर से वहाँ पर एक आदमी को लाती है, ये वो आदमी होता है जिसने क्लारा को पार्टी में गिराया था। क्लारा उससे कहती है, तुम इसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, अगर तुम ऐसा करने के इरादे से आए हो तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। फिर वो आदमी क्लारा की बात को मान लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी लूसी को टॉर्चर करता है। जब लूसी वहाँ से जा रही होती है तब उसे एहसास होता है कि उसकी गर्दन में चोट लगी है और सोचती है कि उसके बेहोश होने के बाद वो लोग उसके साथ क्या करते हैं। जब वो क्लास में होती है तब उसे बर्डमैन का कॉल आता है, तब वो भागते हुए उसके घर पहुँचती है और देखती है कि वो बीमार पड़ गया है। फिर वो लूसी को उसका टॉप उतार कर अपने साथ सोने को कहता है। फिर बर्डमैन उसे पकड़कर सो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे लूसी रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं बर्डमैन का फ्यूनरल होता है, तब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे सुनकर वो भड़क जाता है और उसे कहता है, तुम्हें आज का ही दिन मिला था ये पूछने के लिए मैं शादीशुदा हूँ। आगे हम लोग लूसी को फिर से उसी बेड पर बेहोश देखते हैं और क्लारा फिर से एक आदमी को लेकर आती है। ऐसा काफ़ी टाइम तक चलता रहता है जिसमें कुछ लोग लूसी को टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन लूसी को कुछ याद नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं जब वो ऑफिस में होती है तब उसकी बॉस उसे जॉब से निकाल देती है। फिर लूसी एक शॉप पर जाती है और वहाँ से एक कैमरा खरीदती है। जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तब उसका दोस्त आता है और वो उसे ड्रग्स ऑफर करता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह उसे क्लारा का कॉल आता है। जब वो कार में जा रही होती है तब उसे वॉमिट होती है। जब क्लारा के पास पहुंचती है तब वो उसे कहती है कि मैं बेहोश नहीं होना चाहती और देखना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन क्लारा उसे मना कर देती है कि ये हमारे क्लाइंट्स की प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं होगा। जब वो रूम में सोने के लिए जाती है तब वो अपने मुंह में छुपाए हुए स्पाई कैमरे को निकालकर वहां पर लगा देती है। इसके बाद वो सो जाती है। जब अगली सुबह क्लारा रूम में आती है तो वो देखती है कि बूढ़ा आदमी मर चुका है। फिर वो लूसी को जगाने की कोशिश करती है। इसके बाद लूसी जागती है और वो देखती है कि उसके पास बूढ़ा आदमी मरा हुआ पड़ा है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।